रायबरेली कोरोना वैश्विक महामारी का असर रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है, जहां रक्षाबंधन के त्योहारों पर पूरे देश में मिठाइयों की दुकान पर भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अगर बात इस बार की जाए तो मिठाइयों की दुकान पर उस तरह से भीड़ नहीं देखने को मिली जैसे कि पहले देखी जाती थी। तो कहीं ना कहीं बरेली में भी कोरोना के कारण मिठाई विक्रेताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सिराज अहमद ने जायजा लिया, वहीं मिठाई दुकानदारों के साथ मिठाई क्रेता से भी बात की है। देखते हैं क्या कहा मिठाई विक्रेता और क्रेता ने, कितना फर्क पड़ा इस बार की मिठाई के धंधे पर। जहाँ पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, जिसके कारण कोई भी त्यौहार रहा हो, चाहे वो बकरा ईद का त्यौहार रहा हो या रक्षाबंधन का त्यौहार जो कल है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस पर रायबरेली की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता पर बड़ा असर पड़ रहा है। हम इस समय खड़े हुए रायबरेली के कहारों के अड्डे पर, जहाँ पर मिठाई की दुकान है। हालांकि वहाँ पर जो भीड़ देखी जा रही है, लेकिन उस तरह की भीड़ इस बार नहीं है जिस तरह से भीड़ होती थी। आइए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आई हैं, उनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय बता दें। आप मिठाई खरीदने के लिए आई हैं, मतलब सरकार का एक दिन पहले आदेश आया कि एक दिन पहले दुकान खोल दी जाए, लॉकडाउन ना लगाया जाए, तो उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं भैया, भाई को राखी तो बांधना है। तो क्या लगता है इस बार कोरोना की वजह से आप लोग क्या करेंगी? भाई मिठाई ले रहे हैं, अब राखी कल बांधना है, कोरोना है उसको भी बचाना है भाई, बीमारी सबको दिक्कत हो रही है, अब हम लोग को सपोर्ट करना है सरकार का, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ यूज़ करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ पर आए हुए सामान लेने के लिए, उनका कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भाई को राखी बांधेंगे, जरूर बांधेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। हालांकि इस समय हमारे साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। भैया अपना परिचय बता दें। मुस्कान शेठ, मोहम्मद सिराज। भैया ये बताइए कि जिस तरह से हर साल भीड़ होती थी, उस तरह से भीड़ का क्या मामला, क्यों कोरोना की वजह से इस समय सेल डाउन है? वरना कोरोना बीमारी जब नहीं रहती तो उस समय तो पोजीशन बिक्री जो है बहुत है। अच्छा, तो इस समय दुकानदारी की स्थिति क्या है, कितने परसेंट दुकानदारी रह गई है? 50% के अब मान लीजिए आप। तो जैसे देखिए आपके समय कितना सन्नाटा बने की लोग, तो ग्राहक हैं, रोड पर भी पब्लिक नहीं है, हम लोगों ने दुकान भी नहीं लगाया। अच्छा, आप लोग जो है रक्षाबंधन को लेकर के काफ़ी पहले से तैयारियां करते हैं, तो इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्या ये डर है कि आपके यहाँ का सामान भी खराब हो सकता है? नहीं, हम लोगों ने उतनी जो है रिस्क उठाने वाला काम नहीं किया कि बहुत पहले से मिठाई बनाए, हम लोग आज ही कल बना रहे हैं, आज ही कल सेल कर रहे हैं, अभी बिक जाएगी फिर बनेगी, कल बिक जाएगी फिर बनेगी, पहले से हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि कोरोना का असर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बीमारी कम नहीं हो रही, महामारी कम नहीं हो रही, तो इसलिए हम लोग डेली माल बना रहे हैं, डेली बेच रहे हैं, इस जो है एडवांस कोई कार्य नहीं हो रहा है, लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। और फिर भी जो है यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रिया कि एक दिन दो दिन का जो है समय दिया गया कि रक्षाबंधन मनाया जाए, बाकी मिठाई वालों को भी राहत दी गई कि जो है वो लोग दुकान खोल सकें। जैसा कि आपने देखा जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि अगर बात की जाए व्यवसाय की, तो उनके व्यवसाय पर जो खर्च पड़ा है, तो कहीं ना कहीं 50% तक, जहाँ पर एकदम साफ खुले तौर पर कहना है कि 50% उनका व्यवसाय रह गया। अगर पहले से अगले साल की बात की जाए, तो अगले साल यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है, लेकिन इस बार जो है और दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार उनकी दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ा है, कितना फर्क देखने को मिल रहा है। अपना नाम बता दें। भैया इस बार दुकानदारी में लगभग कितना फर्क पड़ा है? 50%। आप लोगों ने सब पहले से तैयारियां की होगी, अगर इतना फर्क पड़ेगा तो आप लोगों का धंधा कैसे होगा? लॉकडाउन है, इसलिए फर्क पड़ गया। छह ₹300। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि हमारे यहाँ पर जो है 50% से कब फर्क पड़ चुका है धंधे में, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का कहर है वो पूरी तरह से जारी है। सिराज अहमद, SK न्यूज़, रायबरेली।